होता है कि हमारा देश मस्त मौला जीवन जीने आज दर्शा रहे हैं। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और ये जिलाधिकारी मंगला प्रसाद जी के हाथों से खुशियां पूरे आसमान में और ये शांति का प्रतीक भारत में शांति की हमारे दिल में हमेशा हिंदुस्तान समाया रहता है और हिंदुस्तान ही देख लो प्रथम सोनी द्वारा मुख्य सचिव महोदय का अभिवादन द्वितीय टोली पिलांगी मुख्य अतिथि का वालन किया गया। पंचम टोली कमांडर एस एस राम द्वे छठवी टोली कमांडर एस एस जी संतोष पाल मुख्य अतिथि का टोली से इसे अभिवादन करते हुए सातवी टोली पी ए केवल सर्वोत्तम बल्कि कमांड मौसम स्ट्राइकिंग का दूसरा कमांड कर रहे हैं एस एस जी संदीप कुमार दुबे हेलो वज्रवाहन जो हमेशा कर्तव्य के निर्भर करने के लिए कार आता है कमांडर एस एस जी योजना अपराध शाखा की गाड़ी विभिन्न प्रकार के अपराधों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में सक्षम एस एस पी राकेश सिंह यूपी वारंट पल पल हर पल हर क्षण हमेशा आपके साथ यूपी वारंट आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं सर्वप्रथम अपने जनपद गाजीपुर के सभी वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ यहाँ के लोगों का जीवन सुखमय बीते सारे लोग निरोगी हों और खुश रहें और अपने तिरंगे के प्रति नमन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सदैव विकास के पथ पर अग्रसर रहें। आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है सम्मान का दिन है और अपने देश के उन महान विभूतियों को कृतियों को नमन करने का दिन है जिनके त्याग और बलिदान के कारण हमें यह दिन देखने को प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन मैंने सबसे अपील की है और पुनः अपील करता हूं अनुरोध करता हूं कि आने वाले 7 मार्च को जिस दिन विधानसभा का निर्वाचन है अपने जनपद में निर्धारित है उस दिन सभी हमारे पंजीकृत मतदाता अपने अपने बूथों पर पहुंचकर 100% मतदान करें और अपने मताधिकार के माध्यम से अपने जनपद अपने प्रदेश और अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इसमें आज आप जैसा कि जानते हैं 73वां गणतंत्र दिवस है और उसका समारोह यहाँ आयोजित किया गया भव्य तरीके से जिसमें श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के चीफ गेस्ट थे और इसमें 50 से भी अधिक लोगों को हमने सम्मानित किया। सर आपको भी सम्मान मिला है? हाँ, मुझे भी पुलिस महानिदेशक के द्वारा संसद चिन्ह का गोल्ड डिस्क प्रदान की गई है और मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर।